अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रूट जेली कस्टर्ड बनाएंगे, जिसके लिए हमने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है 4 टेबलस्पून, शुगर ली है 8 टेबलस्पून, वनीला एक्सट्रैक्ट लिया है 1/4 टीस्पून, मिल्क लेंगे 4.5 कप। फ्रूट हमने कोई भी लेना है, जो भी मौसमी फ्रूट हो वो लेंगे। स्ट्रॉबेरी हमने लेनी है कटी हुई 1/2 कप, पीच कटा हुआ लेना है 1/2 कप। पूरा मिक्स किया हुआ फ्रूट जो है 1 कप होना चाहिए। 2 पैकेट हमने जेली के लेने हैं, अहमद की जेली ली है रेड और ग्रीन। जेली को हमने 1 पैकेट में 2 कप पानी उबालकर उसमें अच्छी तरह से मिक्स करके, 2 कप से थोड़ा सा कम पानी डालना है, मिक्स करके फिर हमने फ्रिज में रख देनी है, पहले से जेली जो है ये जम जाए। अब हमने वनीला कस्टर्ड पाउडर लेना है 4 टेबलस्पून, इसके अंदर हमने थोड़ा सा दूध डाल देना है। वनीला कस्टर्ड पाउडर में दूध हमने थोड़ा सा मिलाकर, 1/2 कप दूध लेकर इसको हमने अच्छी तरह से मिलाकर एक साइड पर रख लेना है। अब हमने मीडियम आग पर एक पैन को गर्म कर लेना है, इसमें हमने दूध डाल देना है 4 कप। अब हमने दूध को उबालना है, थोड़ा सा हमने इसको मिक्स करना है ताकि नीचे ना लगे, और दूध को हमने उबाल लेना है। दूध में 2 से 3 उबाले आ चुके हैं, इसको हमने मिक्स करते रहना है ताकि नीचे ना लगे। अब हमने इसमें कस्टर्ड डाल देना है जो कि हमने दूध में मिक्स करके रखा हुआ है। डालते वक्त दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर हमने इसको थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि गुठलियाँ ना बने, और इसको हमने साथ साथ मिक्स करते रहना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करते रह जाएंगे। कस्टर्ड को हमने 4 से 5 मिनट तक पकाया है। अब कस्टर्ड जो है ये थोड़ा सा थिक होने लग गया है, ऊपर बबल बनने लग गए हैं। अब हमने इसमें शुगर डाल देनी है। शुगर आप देख लें अपने टेस्ट के मुताबिक। शुगर डालकर अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है 2 से 3 मिनट तक हल्की आग पर। कस्टर्ड को हमने और पकाना है, ये आप देख लें जब तक अच्छी तरह से थिक हो जाए। कस्टर्ड को हमने मिक्स करते रहना है ताकि नीचे ना लगे, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। अभी हम कस्टर्ड को 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे चीनी डालकर 3 से 4 मिनट तक हमने कस्टर्ड को और पका लिया है। अब कस्टर्ड जो है ये थिक हो गया है, कस्टर्ड हमारा रेडी है। अब आग को हमने बंद कर देना है। थोड़ी देर हमने इसको मिक्स करते रहना है आग को बंद करके। अब हमने इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट डाल देना है, बिल्कुल थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून के बराबर। बस आग को बंद करके वनीला एक्सट्रैक्ट डालना है, डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब कस्टर्ड हमारा रेडी है। अब हम वेट करते हैं कस्टर्ड थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर हमने एक बॉल में डालकर इसको फ्रिज में रख के ठंडा करना है। अभी हम इसको एक बॉल में डालेंगे। कस्टर्ड को हमने एक बॉल में डालकर फ्रिज में रखना है 2 से 3 घंटे। हमने कस्टर्ड को अच्छी तरह से ठंडा करना है। कस्टर्ड को हमने फ्रिज में रखा है 2 घंटे, कस्टर्ड को हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब हमने एक बॉल लेना है, शीशे का सर्विंग बॉल ले लेंगे। इसके अंदर हमने सबसे पहले कस्टर्ड डालना है। आधा कस्टर्ड हमने डाल देना है इसमें। आधा कस्टर्ड हमने इसमें डाल दिया है बॉल में। अब हमने इसमें जेली डाल देनी है। अब हमने बॉल में जेली डाल दी है।
इसमें हमने अब फ्रूट डाल देना है। फ्रूट आप बारीक काट लें, मैंने वीडियो की वजह से थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है। मौसमी फ्रूट ले लें कोई भी। मैंने इसमें बीज डालने हैं, स्ट्रॉबेरी डालूंगी, ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। लेकिन कस्टर्ड को बिल्कुल ठंडा करना है, गर्म कस्टर्ड फ्रूट के ऊपर डालेंगे तो वो फिर टेस्ट खराब हो जाएगा। इस तरह से हमने फ्रूट रख देना है। फ्रूट को आप बारीक बारीक क्यूब्स की शक्ल में काट लें। अब हमने इसके ऊपर दोबारा से कस्टर्ड डाल देना है। ऊपर से हमने बिल्कुल सीधा कर देना है। इसके ऊपर हमने थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम भी डाल देने हैं। थोड़े से क्रंची क्रंची मुंह में आते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो डालिए वरना ना डालें। अब हमने साइडों पर स्ट्रॉबेरी रख देनी है। सारी साइडों पर स्ट्रॉबेरी रख देंगे। अब हमारा बहुत ही मजेदार फ्रूट कस्टर्ड जेली तैयार है। इस तरह से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।